उस शख्स की उम्र 40 के पार थी, लेकिन उसके सिर पर जैसे आस्की का भूत सवार रहता था। वैसे तो वह 4 शादियां कर चुका था और जवान बच्चों का पिता भी था, लेकिन लड़कियों को अपने प्रेम जाल में उलझाता था। उसका असली नाम मोहम्मद अब्दुल था, लेकिन लड़की यदि दूसरे धर्म की होती थी तो वह अपना नाम बदल कर अमन बताता था। उसके सिर पर बाल भी नहीं थे, लेकिन वह स्टाइलिश विग लगाता था क्योंकि वह किसी फिल्मी हीरो की तरह जवान दिखना चाहता था। लेकिन उसका यह खेल लंबा नहीं चलता। एक लड़की को फुसलाकर ले जाने के चक्कर में वह एक दिन सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से निकली। यह सच है कि किशोर उम्र सपने देखने की होती है, नासमझी होती है और कदमों के बहकने की गुंजाइश भी। इस कहानी का मुख्य किरदार इसी का फायदा उठाता था। लड़कियों को झूठे सपने दिखाना और उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल करना उसकी आदत बन चुकी थी। दरअसल अब्दुल कंकरखेड़ा क्षेत्र का रहने वाला था। वह एक लड़की को नाम बदलकर पहले अपने प्रेम जाल में उलझाता है और फिर वह एक दिन उसे भगाकर ले जाता है। लड़की के परिवार वाले रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। कुछ दिनों बाद वह पकड़ा जाता है और उसकी हकीकत सामने आ जाती है। वह पहले 4 शादियां कर चुका होता है, उसके बच्चे भी जवान थे, लेकिन वह अपनी मीठी बातों और जॉब दिलाने का झांसा देकर महिलाओं व लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें अपने जाल में फंसाता था। उसके सिर पर बाल नहीं थे तो इसके लिए वह अलग अलग डिजाइन की विग लगाता था। मीडिया रिपोर्ट्स में लव जिहाद की बात भी सामने आई। क्या नाम है आपका? अब्दुल। किस तरीके से आपने उस लड़की को फंसाया? क्या नाम बताया अपना उसके? सर मेरा अब्दुल जी नाम है, अमन जी है नाम। आपने अपना नाम? अपना नाम अमन बताया था। अब्दुल से बताया। क्या नाम है तुम्हारा? सर अब्दुल नाम से पता है। और क्या बताया था? अब्दुल ही नाम बताया। नहीं, अमन नाम बताया। अमन तो सब प्यार में कहते हैं। अमन प्यार में कहते हैं आपको? अब्दुल नाम। तो आपको ये नहीं लगा कि आपकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं और आपने इस तरीके से हरकत की है? सर अनजाने में हुई गलती। नहीं, 4 बीवियां हैं आपकी, बता। तो आप अमन नाम क्यों लेते थे अपना? सर प्यार करते थे, मैं हिंदू बन सकता हूँ। मैंने कहा था हिंदू बन जाओ, अगर जाओ। अच्छा, तुम हिंदू बनने का नाम, हिंदू का नाम आपने इसलिए रख लिया अपना। यह कहानी केवल एक उदाहरण और सबक है कि आपके और हमारे आसपास इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसी सोच वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अब्दुल ने यदि समय रहते अपनी सोच को बदल दिया होता तो शायद उसके सलाखों के पीछे पहुंचने की नौबत भी कभी नहीं आती। चैनल की सच्ची कहानियां आपको भी पसंद आती हैं तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी सच्चे किस्से कहानी के साथ।